आइए जानते हैं दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कैसे फैसला लिया कि कौन बड़ा है, बुद्धि या भाग्य। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के दरबार में भाग्य और बुद्धि में यह प्रश्न उठ गया कि कौन बड़ा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। उस समय भाग्य व बुद्धि में तीखी नोक झोंक होने लगी और भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मैं जाय करता हूँ, वह काम तुम नहीं कर सकती हो। और बुद्धि ने कहा, मैं जो कर सकती हूँ वह कोई नहीं कर सकता है। फिर बुद्धि ने कहा, भाग्य आप मूर्ख मत बनो, मैं जब किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है और मनुष्य पागल हो जाता है। उसी समय भाग्य बोला, अगर मैं मनुष्य का साथ छोड़ दूं तो आप कुछ नहीं कर सकती है। अब दोनों में कौन बड़ा है, यह सुझाव चल रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा, यह फैसला मुझे करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है। भाग्य ने कहा, भगवान बुद्धि यह कहती है कि मैं बड़ी हूँ और अगर मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ दूं वह मृतक के समान हो जाता है। इस प्रकार दोनों का तर्क सुनने के बाद ब्रह्मा जी के मन में यह विचार आया कि यह तो फैसला बड़ा कठिन है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपनी अपनी क्षमता का परीक्षण करके मुझे बताओ, तब कौन बड़ा है इसका पता चलेगा। भाग्य ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, लेकिन बुद्धि मुझसे बड़ी नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह एक चरवाह है, इसका भाग्य बदलकर देखो। भाग्य ने कहा, ब्रह्मा जी पहले मुझे आदेश दो। अब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, अब इसको सम्राट बनाओ, मैं इसका साथ छोड़ रही हूँ। अब भाग्य उस चरवाहे को सम्राट बनाने की सोचने लगा और वह उस चरवाहे के पास गया और उस चरवाहे के पास भाग्य ने देखा, केवल 3 बकरियों ही है और एक टूटी सी झोपड़ी है। वह पूरा दिन उन बकरियों को चराने में लगा रहता है और भाग्य ने सोचा, इसके पैरों में चप्पल जूते भी नहीं है। अब भाग्य ने पासा पलटा और सोने के जूते लेकर उनको जिस स्थान से होकर चरवाह निकलता था उस स्थान पर रख दिए। जब उस लड़के ने देखा कि सोने के जूते मार्ग में पड़े हैं, वह जान नहीं सका कि ये जूते सोने के हैं। उस चरवाहे ने वे जूते अपने पैरों में पैर लिए और सोचा, चलो अब ये जूते पहनने के काम आएंगे। वह चरवाह रोजाना उन जूतों को पहनकर जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसकी माथे की बुद्धि भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने उस चरवाहे को खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का वादा किया था, लेकिन इसमें कोई बदलवा नहीं आया, ये तो पागलों की तरह रहता है। बुद्धि ने कहा, ये देखो, जब मैं इसका साथ नहीं दे रही हूँ तो ये कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी एक दिन एक देश का राजा, जिसका नाम था तेजप्रता था, राजा तेजप्रताप का एक सौदागर जो रोजाना अपने ऊँटों पर पीतल लादकर उसे बेचने के लिए जाता था, उस सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं, लेकिन यह उनकी कदर नहीं करता है। सौदागर ने सोचा, यह चरवाह इन जूतों के बारे में शायद कुछ नहीं जानता है। उस सौदागर ने पूछा, भाई ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले हैं। उसने कहा, ये जूते मुझे जंगल के रास्ते पड़े हुए मिले थे। तो उस सौदागर ने कहा, ये जूते आप मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, क्योंकि इनको मैं बहुत दिनों से पहनता हूँ, लेकिन ये फटते भी नहीं है। सौदागर ने कहा, तो बताओ इसके बदले तुम क्या लोगे। चरवाहे ने कहा, इनके बदले तुम मुझे 1 मन आटा दे देना, जिससे मेरा व मेरी माता की रोटी का काम चलेगा। सौदागर ने कहा, मंजूर है। और 1 मन आटे में सौदागर ने जूते खरीद लिए। बुद्धि ने भाग्य से कहा, हे भाग्य, ये क्या हो रहा है, आप कहाँ सो गए जिसे आप एक सम्राट बनाना चाहते हैं।
उसने तो सोने के जूते एक मन आटे में बेच दिए, तो भाग्य ने कहा, बुद्धि आप चुपचाप रहो और देखते रहो मैं क्या करता हूँ, इसे सम्राट बनाकर रहूंगा। बुद्धि ने कहा, भाई ये सम्राट के चक्कर में इसको आप मार मत देना, क्योंकि ये चरवाह बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता है। फिर भाग्य ने पासा पलटा और हीरेजडित सोने के जूते फिर दोबारा लेकर जहां से वह चरवाह जाता था उस स्थान पर रख दिए। फिर उसी रास्ते से चरवाह निकला तो उसने देखा, ये जूते तो पहले से भी अच्छे हैं, चलो इनको भी पहन लेता हूँ। उसने वे जूते पहन लिए और अपनी बकरियों को चराने के लिए चला गया। फिर वह सौदागर एक दिन उसी रास्ते से होते हुए अपना माल बेचने जा रहा था, तो उस चरवाहे के पास उसने पहले से भी सुंदर सरवण हीरेजडित जूते देखे और कहा, भाई क्या ये जूते तुम मुझे बेच दोगे? चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, लेकिन मुझे एक बोरी भुने हुए चने देने पड़ेंगे। तो सौदागर ने हौ भर ली और उन जूतों को एक मन चनों में खरीद लिया। अब सौदागर के मन में विचार आया कि ये जूतों को राजा को दे दूं तो मुझे काफी धन मिलेगा। उसने ऐसा ही किया और राजा के पास चला गया। राजा जूते देखकर काफी खुश हुआ और उन जूतों को 100 सरवण मुद्राएं देकर ले लिए। और सौदागर से राजा ने कहा, भाई आप ये जूते कहाँ से लेकर आते हैं? सौदागर ने झूठ बोला और कहा, महाराज मैं जहां अपना माल बेचने जाता हूँ वहां के राजा ने मुझे खुश होकर ये जूते दिए हैं। ताए राजा ने कहा, उनके कोई पुत्र हो तो अपनी बेटी की शादी उसके कर देगे, अब की बार जब जाओ तो ये प्रस्ताव लेकर आना। अब तो सौदागर फंस गया और कहने लगा, ये तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया, अब क्या करूं, हो सके उस चरवाहे के पास ही जाता हूं। तो वह उस चरवाहे की झोपड़ी पर चला गया और देखा, चरवाह अपनी बकरियों के साथ वही बैठा था। सौदागर ने अपने पीतल के बर्तनों का बोरा उतारा और बैठकर चरवाहे से बात करने लगा। वह चरवाह जब उसके बर्तनों के बोरे पर आकर बैठा तो वे सभी बर्तन सोने के हो गए, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा था। सौदागर ने मन ही मन सोचा, ये तो बड़ा काम का व्यक्ति है, यो कोई बड़ा व्यक्ति या जादूगर है, इसे ही मैं राजा बना देता हूँ। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सौदागर ने चरवाहे से कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मेरे पास काफी धन दौलत है और मैं आपके यहाँ महल किला बना देता हूँ और आप उसके राजा बन जाना। राजा बनने के बाद मैं आपकी शादी मेरे देश के राजा की बेटी से करवा दूंगा, फिर आप आराम से जिंदगी जीना। चरवाहे ने कहा, भाई तुम जो भी करो लेकिन मेरी बकरियों का ध्यान जरूर रखना। सौदागर ने सोचा, ये व्यक्ति तो निरा मूर्ख है, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई, मैं तो इसको राजा बना रहा हूँ और ये अपनी बकरियों का राग अलाप कर रहा है। अब सौदागर ने वहां पर महल बनवाकर वापस राजा के पास गया और कहा, महाराज मैं उस राजा को शादी के लिए तैयार कर आया हूँ और आप वहां पर अपनी बेटी की सगाई उस राजा के बेटे के साथ कर दो, मैं तय करके आया हूँ। राजा ने दो नौकर भेज दिए और उसकी सगाई करवा दी। अब विवाह का समय आ गया और चरवाह अपनी बकरियों के साथ रहता है, उनको चराता है और मस्त रहता है। सौदागर ने कहा, ये चरवाह मुझे मरवा नहीं दे, इसके तो कोई परवाह ही नहीं है। सौदागर उस चरवाहे के पास गया और उसने उसको सारी बात बताई और कहा, मुझे और तुझे दोनों को राजा मार देगा अगर किसी बात का पता चल गया तो, इस कारण मैं जिस प्रकार कहूँ उस प्रकार ही आप काम करो। चरवाहे ने मन में सोचा, यह संकट कहाँ से आ गया, मैं तो अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर रहा था, इसने खूब परेशान किया मुझे। अब विवाह का समय आ गया और बारात लेकर राजा के देश में जाने लगे। काफी सेना हाथी घोड़े लेकर पहुंच गए और शादी की रस्म पूरी हो गई। अब उस चरवाहे को एक अलग 7 मंजिला कमरे में सुला दिया। अब उसको वहां पर कई प्रकार की आवाज आने लगी, क्योंकि उसको बचपन के समय में उसकी माता भूतों की कहानियां सुनाया करती थी, तो उसको पायलों और चुड़ियों की आवाज जैसे ही आती तो उसने सोचा, भूत आ रहा है।
उसने एक खिड़की से होकर कूदने की तैयारी कर ली। उसी समय बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य इस व्यक्ति को किसी प्रकार से बचा सको तो बचा लो, अन्यथा ये कूदकर मर जाएगा, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं है। भाग्य ने कहा, बुद्धि आप बड़ी मैं छोटा, बुद्धि आप जीती मैं हारा, पर इसको किसी प्रकार बचाओ। उसी समय बुद्धि उस चरवाहे के शरीर में प्रवेश करती है। वह चरवाह ऊपर से कूदते हुए रुक जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग्य आप परीक्षण में सही सफल नहीं हो सके, इस कारण सुनो, भाग्य से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वह कितना ही धन दौलत वाला हो, इस कारण बुद्धि ही बड़ी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।